और ये भोले भाले इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना रहा है और हमारी जमीन पर उसने प्रोजेक्ट धोखे से पास करवाया। और ये अजय वीर सहगल हमारे ऊपर दबाव बार बार बनाकर झूठे मुकदमे दायर कर मेरे से और मेरे परिवार से जमीन हड़पना चाहता है। डिसाइड होगा डिस्प्यूट तो उस वक्त ये भोले भाले लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे। मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी, मैं हूं दिनेश दीक्षित। मुद्दा जो आज चर्चा में आ रहा है वो आ रहा है ट्राई सिटी के बड़े बिल्डर्स में शुमार ओपेरा गार्डन पर धोखे से जमीन हड़पने का आरोप। मुद्दा जो आज चर्चा में आ रहा है ओपेरा गार्डन के प्रमोटर मिस्टर अजय वीर सहगल पर, जिन्होंने झूठे पर्चे करवाकर, ऐसा आरोप है कि उन्होंने झूठे पर्चे करवाकर पीड़ित पक्ष को अपने रसूख के चलते दबाव बनाए। प्रकाश टीवी ने जब मामले की तहकीकात की तो वैभव दीवान जो कि पीड़ित पक्ष है उन्होंने प्रकाश टीवी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में यह दावा पेश किया कि उनकी करीब 14 बीघा जमीन है जो कि ओपेरा गार्डन जीरकपुर प्रोजेक्ट में स्थित है और वो और उनकी फैमिली इसमें को ओनर्स हैं। वैभव दीवान ने यह भी बताया कि मिस्टर अजय वीर सहगल जो कि प्रमोटर हैं ओपेरा गार्डन के, उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख के चलते उनके ऊपर ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब में भी FIR करवाई हैं और अपने राजनीतिक रसूख के चलते उनको और उनके परिवार को मानसिक प्रताड़ना और जो दबाव बनाया गया उनसे जमीन हड़पने का, इस तरह के आरोप वैभव दीवान ने प्रकाश टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया। मेरा नाम वैभव दीवान है जी एंड मेरी परिवार की जमीन ओपेरा गार्डन के नाम से प्रोजेक्ट जीरकपुर में बन रहा है और अजय वीर सहगल जो उसका बिल्डर है वो उस हमारी ज़मीन पे भी, हम वी आर को ओनर्स इन जॉइंट पोजेशन ऑफ दैट लैंड, और हमारी ज़मीन पर उसने प्रोजेक्ट धोखे से पास करवाया और अब वो भोले भाले इन्वेस्टर्स को बेच रहा है सस्ते दामों में, एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है रेडियो पर। और हम आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि उस विवादित ज़मीन में हिस्सेदार मत बनिए। उसका पार्टीशन ऑलरेडी जरकपुर में अपना डेराबसी कोर्ट में पेंडिंग है और वो कुछ टाइम में फाइनलाइज हो जाएगा। उसमें मेरी 14 बीघे ज़मीन है मेरे और मेरे परिवार की। और ये अजय वीर सहगल हमारे ऊपर दबाव बार बार बनाकर झूठे मुकदमे दायर कर मेरे से और मेरे परिवार से ज़मीन हड़पना चाहता है। इसने अपने रसूख से हमारे ऊपर काफ़ी हरियाणा में हमारे ऊपर FIR करवाई और उसके बाद अब यहाँ पर मोहाली में भी हमारे ऊपर FIRs करवा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको, लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ओपेरा गार्डन की ज़मीन है उसमें मेरा हिस्सा है और ये अजय वीर सहगल अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रसूख के कारण उस ज़मीन पे कब्ज़ा करे बैठा है और ये भोले भाले इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बना रहा है। जो प्रोजेक्ट जो ये फ्लैट्स बेच रहा है वो डिस्प्यूटेड लैंड का पे बने हैं और ये डिस्प्यूटेड लैंड कल ना कब जब डिसाइड होगा डिस्प्यूट तो उस वक्त ये भोले भाले लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि हम इसके बारे में ट्रिब्यून में और काफ़ी अखबारों में पब्लिक नोटिसेज के जरिए भी बता रहे हैं, पर आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको फिर सतर्क करना चाहता हूं कि इस साजिश का हिस्सा ना बने, आपको कल पैसा आपका बर्बाद होगा। वैभव दीवान ने बताया कि यहां पर जो ज़मीन अब ओपेरा गार्डन स्थित है यहां उनकी 14 बीघा ज़मीन के वो ओनर हैं। इसके उन्होंने दस्तावेज भी पेश किए, दिखाए प्रकाश टीवी को और उसमें उन्होंने बताया कि वो इसके ओनर साबित हो चुके हैं। बावजूद इसके ओपेरा गार्डन धोखे से इन्वेस्टर्स को तरह तरह के स्कीम्स दिखाकर यहाँ पे जमीन इन्वेस्ट कर रहा है, जमीन में इन्वेस्ट करवा रहा है और लोगों से लाखों रुपए हड़प रहा है, जो कि यह लैंड अब डिस्प्यूटेड हो चुकी है, ऐसा वैभव दीवान बताते नजर आए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अब उन्होंने पंजाब पुलिस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और नगर कौंसिल जीरकपुर में भी उन्होंने कंप्लेंट्स दर्ज की हैं ओपेरा गार्डन के खिलाफ और वो अब कानूनी आरपाया की लड़ाई के लिए तैयार हैं। ओपेरा गार्डन के अजय वीर सहगल के खिलाफ हमने काफ़ी कंप्लेंट्स दायर की हुई हैं। एक कंप्लेंट हमारी रेरा में चल रही है जो कि अपलेट बोर्ड में चल रही है। दूसरी कंप्लेंट हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट में पंजाब के दिया हुआ है। तीसरी कंप्लेंट हमारी पंजाब पुलिस में चल रही है जहाँ पर इसका अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक हम अपनी कंप्लेंट एक MC म्यूनसिपल काउंसिल जीरकपुर में भी दे रखी है कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल किया जाए बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये पुराने कागज़ जो कि अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कैंसिल हो चुके हैं उनको दिखा दिखा के इसने प्रोजेक्ट्स पास किए हुए हैं, जो थोड़े दिन में शायद डिसीजन आ जाए और प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए।
प्रकाश टीवी ने इन आरोपों का आधार जानने के लिए ओपेरा गार्डन के प्रमोटर मिस्टर अजय वीर सहगल से जब फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से एसपी इंक्वायरी के बाद में ये सभी एफआईआर की गई थी उनके खिलाफ। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ओपेरा गार्डन ने यह कब्जा नहीं किया है बल्कि उनके प्रोजेक्ट पर वैभव दीवान ने यह कब्जा किया हुआ है और उसके साक्ष्य सभी पुलिस ने तहकीकात करने के बाद ही इस पर एफआईआर की गई थी। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्ते जी। सर कैसे हैं? बढ़िया। तो नहीं साहब, सुनाइए। गुड सर, एब्सोल्युटली फाइन जी। बस सर, ये एक्चुअली बस एक ही कंप्लेंट आई थी सर हमारे पास खबर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें ये मिस्टर वैभव दीवान हैं जो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ पेपर्स भी हमें इनफैक्ट दिए कि भाई ये दिक्कत है हमें, और इन्होंने मतलब पुलिस में शायद आपका कोई चला भी था। तो इसमें कोई वर्जन सर आपका कुछ पता लग सकता है कि क्या है ये मामला? इंक्वायरी की, इनके ऊपर एफआईआर हुई है जी। वो एफआईआर शायद दो एफआईआर का था मामला, 2018 में हुई है जो कि उसके बाद वो तो क्रैश हो गई थी। हाँ जी। और अभी एक और है जो एफआईआर हुई है इन पे। इसमें सर ये जो कह रहे हैं कि ये कहाँ तक सही है कि जो चौदह बीघा लैंड के लिए कह रहे हैं कि अजय वीर जी ने हमारा उस प्रोजेक्ट के अंदर लिया हुआ है और हमें मिल नहीं रहा है हमारा कब्जा? हाँ जी, वो एफआईआर पे डिटेल देखो, सारी एफआईआर एसपी की इंक्वायरी पे कवर हुई है। अच्छा, इन्होंने कैसे फ्रॉड किया है, इसमें कई ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ओके। जुडिशियल भी, आईएएस भी, इनके रिश्तेदार भी, वो एसपी लेवल की इंक्वायरी के बाद एफआईआर हुई है इन पर। ओके ओके। हाँ जी। तो इसमें बेसिकली ये है कि ये जो लैंड ग्रैबिंग का ये जो लगा रहे हैं अभी ओपेरा गार्डन पे, ये एक्चुअल में ये इन्होंने कर रखी है सारा फ्रॉड। ओके ओके। हाँ ठीक है सर, राइट सर, राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मुद्दा अब चर्चा में यह आता है कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं ट्राई सिटी मोहाली चंडीगढ़ की तरफ, तो इन्हें जब अप्रूवल मिलता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, फिर चाहे वो पुडा हो या गमाडा हो या रेरा में, जब इस तरह के पेपर्स दिए जाते हैं और अप्रूवल ऑब्टेन किया जाता है, तो उन वो किन तथ्यों के ऊपर इस तरह के अप्रूवल्स दिए जाते हैं उन प्रमोटर्स को, वो भी तब जब इतने पुराने मामले हैं और जब शुरू से अगर कोई वहाँ पे ओनर था और जब एक पक्ष वहाँ पे दावा पेश कर रहा है कि मैं यहाँ पे शुरू से को ओनर के रूप में यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन बावजूद प्रमोटर मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, और एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज में, फिर चाहे वो रेरा हो, हाईकोर्ट हो, पुलिस हो, नगर काउंसिल हो, नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज में जब वो अपनी कंप्लेंट्स चला रहा होता है और वहीं पैरेलल इन्वेस्टर्स को वहां पर लोक लुभावन वादे करके और तरह तरह की स्कीम्स पेश करके उनसे लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा होता है, इस चीज को या इस सारे मुद्दे को प्रामाणिकता कौन देता है? चिंताजनक विषय यह है कि एक पक्ष जो कि कहता है मैं पीड़ित हूं और मेरी जमीन पर कब्जा किया है इस प्रमोटर ने, प्रमोटर ये कहते नजर आते हैं कि नहीं, जमीन हमारी है और उन्होंने एफआईआर करवाई है, उन्होंने अपना सब रसूख दिखाया है, लेकिन इस दोनों पक्षों के बीच में जो एक तीसरा पक्ष है वो है वो भोला भाला इन्वेस्टर जो कि अपने आप को ठगासा महसूस करता है, ना वो चाहता है कि हाईकोर्ट में जाए, ना वो चाहता है पुलिस में जाए, वो सिंपल आता है ट्राई सिटी में अपना सुनहरा भविष्य लेकर, अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने का सपना लेकर। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये अपने आप में चिंता का विषय खड़ा करते हैं सामने कि किन तथ्यों पर जाकर अब इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। अर्थप्रकाश टीवी आपको फिर इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद यही बताना चाहता है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, समय लें, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज में जाएं, बाकायदा हर चीज को, हर तथ्य को समझें, परखें और उसके बाद अपनी मेहनत की कमाई आप इन बिल्डर्स और प्रमोटर्स को सौंपें। साथ ही नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।